आप यदि बाथरूम सिंगर हैं या फिर किसी भी जगह जाते हैं जब आप किसी भी गाने को गुनगुनाते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा खबर है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आ रहा है सारे गामा पा, जो कि सिंगिंग रियलिटी शो है। और तमाम अरुणाचल के लोग जो दूर दराज इलाका में रहते हैं, चाहे वो शहर हो गांव हो, अगर आप रहते हैं और आप कुछ गुनगुनाना चाहते हैं और आप अपने हुनर को गाने के जरिए सुनाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबर है। आज सारे गामा पा अरुणाचल सीजन वन कम वीडियो एल्बम रिलीज आदो आदो लो को आज यहां पर जो है उद्घाटन किया गया। और आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, ये सारेगामा पा जो है एक सिंगिंग रियलिटी शो है जो यहां नेशनल लेवल में चलता है और अरुणाचल प्रदेश में पहली बार ये सीजन वन जो है शुरू होने वाला है। आपको लगता है कि आप अपने हुनर से, अपने गाने से जो है आप लोगों के मन को जीत सकता है और आपके लिए ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर आ करके गीत गा सकते हैं। अगर आप गा के खुद को यहाँ पर साबित करता है तो आने वाला समय में ये आपके लिए अच्छी खबर हो सकता है। तमाम जानकारी को जानने के लिए आप अपडेट रहिएगा अरुण भूमि, क्योंकि अरुण भूमि इस शो का जो है मीडिया पार्टनर है। और आप सभी को बता दूं, आज इस सारेगामा पा को जो है लॉन्च करते हुए कार्यक्रम क्या रखा गया, देखते हैं ये रिपोर्ट। वो कहते हैं जो व्यक्ति संगीत में खो जाता है वो जीते जी मोक्ष को पा लेते हैं। चलिए आज हम सब संगीतों में खो जाते हैं। धड़कन ये कहती है दिल के बिंद दिखे ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लॉन्चिंग हुआ है सारेगामा पा सिंगिंग रियलिटी शो अरुणाचल प्रदेश सीजन वन। ये सारेगामा पा को मैं इसलिए आज स्टेज में ला रहा हूं क्योंकि ये रियलिटी शो जो है हमारा अभी जी टीवी में चल रहा है, सारेगामा पा इंडिया जी टीवी में जो चल रहा है उसका यूनिट को मैं यहां लेके आया हूं। तो मेरा यहाँ में बहुत सारा टैलेंट है जो गाना गा लेता है, हम लोग का बहुत आइडल है। ऐसा नहीं है कि उन लोग का आइडल खराब है, हम वो नहीं बोल रहे हैं। सब लोग अपना अपना प्लेटफॉर्म होता है एक अपना टैलेंट को दिखाने का, तो इसीलिए मैं सारेगामा पा को इसलिए लेके आया। बहुत गजल सिंगर लोग है, बहुत अलग सा हट के ना बहुत सारा सिंगर है यहाँ, उसको सर्चिंग करने में हमारा यहाँ लोग अभी तक उस हद तक नहीं गया है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा इस जरिए से जो अच्छा से गजल, जो नोत बोलता है ना, अच्छा से ताल, मतलब इसमें क्या बोलते हैं, अच्छा से जो गजल टाइप का जो गाना गाने वाला लोगों में यहाँ मैं सर्च करने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जी टीवी, वहाँ सारेगामा पा इंडिया यूनिट को यहाँ स्टेज में मैं लेके आया हूँ। और खास करके यहाँ हमारा देवजीत शाह जो सारेगामा पा जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का सारेगामा पा 7 जो आइडल विनर था, तो उसको मैं जज में भी बुला रहा हूँ। ये मंच को अगर कोई, मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टेट में जितना भी टैलेंट लोग हैं आप लोग रेडी रहिए, तैयार रहिए, जो भी गजल सिंगर रहे हो एकदम अलग सा आप हट के गाते हो आप लोग रेडी रहिए। हम लोग इस आप लोग के लिए ये प्रोग्राम प्लेटफॉर्म बना के आ रहा हूँ आपका शहर में, आपका दिल में, आपका दिमाग में। थैंक यू सो मच। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह।
अपॉर्चुनिटी जो हमें ये अवसर मिला, क्योंकि ये इट विल बी बिकम हिस्ट्री। सारे गामापा जो सीजन वन जो को हमने आज हमें मौका दिया, क्योंकि ये बहुत आगे जाने वाला है और क्योंकि दिस इज़ ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और मैं सभी कंटेस्टेंट को, सभी को मैं एक ही सबको बेस्ट विशेष देना चाहूँगा, और दिस इज़ ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और अरुणाचल में, मैं पहले भी बोला हूँ, अरुणाचल में एक कलाकार का रूप में उभरना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कलाकार का पीछे में उसको सपोर्टर चाहिए। ये बोलते हैं ना, भल का दर्प चमकता उसका पीछे जब डगमग है। तो हमारा अरुणाचल में क्या है, पॉपुलेशन बहुत कम है, निशी आदि तक, वो भी फिर ट्राइब्स 27 सब ट्राइब्स हो गया, ट्राइब्स हो गया मेजर ट्राइब्स। तो ऐसा होने से एक एक ट्राइब्स में लाख, एक लाख, दो लाख, कोई कोई किसी किसी में 60-70,000, किसी में 30,000। तो उसी के अंदर में कलाकार बन के उभरना इसलिए बहुत टफ हो जाता है। तो वो चीज़ को हम इस आपका मीडियम से थ्रू यू अरुणाचल के जनता को मैं आह्वान करना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आदमी सुविधा में है, जो आदमी थोड़ा प्रिविलेज में है, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर हो, बिजनेसमैन हो, चाहे आप लोग भी हो, तो ये कलाकार लोग को, ये आर्टिस्ट लोग को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ना। जब भी आपको मौका मिले इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, अदरवाइज हम अरुणाचल में कलाकार उभरने वाला नहीं होगा। अच्छा अच्छा कलाकार हम लोगों ने देखा लाइफ में, मर्तो कामदक, तोरी कातो, जुमिया सीरम जैसा सिंगर हम लोग ने, हम लोग को मिला, इतना मतलब गॉड गिफ्टेड सिंगर मिला, लेकिन क्या हुआ? हाँ, यही सिंगर अगर बिहार में, यूपी में पैदा होता, आज अरबपति होता, सारा इंडिया एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। तो अरुणाचल में भी हमें ये मौका देना है, देने के लिए जो अभी छोटा छोटा बच्चा लोग को हम देखा है, जो अभी यहाँ में आए हैं, दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, तो इनको हमारा लोग, हमारा सरकार से लेकर के किसान तक, मैं सबको मैं यही बोलना चाहूँगा कि उन्हें हमारा आशीर्वाद का ज़रूरत है, ताकि एटलीस्ट वो अपना फील्ड में खड़ा हो सके। देखो, ईटानगर इज़ ऑल्सो कैपिटल सिटी, यहाँ में क्या होता है, अभी आप यहाँ में कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, है ना। यहाँ सिर्फ नहीं है, अरुणाचल का हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक हैपनिंग, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाना चाहिए। जैसे हम कोलोरिंग में कुछ लड़का लोग, कुछ लड़का लोग आए, हम तो हमेशा बोलते हैं कुछ ना कुछ एवरी 12 राउंड द मंथ्स कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहना चाहिए, तभी तो लगेगा कि ये सिटी है। और यहाँ में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहना चाहिए, और ये कोई आइडल है, कोई सारेगामा है, कोई कुछ कुछ है, ये अलग अलग नाम से प्रोग्राम होते रहना चाहिए, तभी तो लगेगा कि हम जिंदा है, तभी तो लगेगा कि हम जीरा है, तभी तो लगेगा कि हम इंसान है। नहीं तो हम इंसान और जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा, ये होते रहना चाहिए, और एवरीवन शुड सपोर्ट इट। थैंक यू। आज हम लोग को सारेगामापा का सीजन वन में बुलाया, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए और यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि ये एक आर्टिस्ट में अरुणाचल में, जिसे अभी तातो साहब ने कहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा जाति है, बहुत सारा टाइटल है, अपना अपने भाषा में, अपना अपना टाइटल अपना अपना भाषा में, या मैं फिल्म बनाता है और अपना भाषा से बोलते हैं, इसलिए अपना अपना जो टाइटल लोग देखते हैं और कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते, इसी में भी एक मैंने हम लोग का जो आर्टिस्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाने का भी ये एक रीज़न है ऐसे हमको लगता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे मैंने मिनी इंडिया जैसा है, आपका 26 मेजर ट्राइब से लेके 100 से अधिक सब ट्राइब है, तो यहाँ एक ही भाषा होने से तो हम लोग का यहाँ आर्टिस्ट किसी से कम नहीं होगा। एक ही भाषा में एक ही फिल्म बनाएगा, एक ही गाना गाएगा ना, एक रातों रात आर्टिस्ट आगे बढ़ने में कोई नहीं रुका सकेगा। लेकिन इसलिए अभी एक चीज़ है हिंदी में, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, भारत का ये से जो निशी को भी हिंदी डबिंग करके या हिंदी में भी हम लोग फिल्म बनाए, गाना गाए, तब जाके आगे हम लोग
सबका कंसेप्ट में आएगा, सब समझ पाएगा, तब पक्का क्लियर आगे हम लोग बढ़ सकता है। इसलिए हमने छोटा सा पहले एक स्पीच में भी कहा है, टारगेट क्लियर होना है और जितना भी कठिनाइयाँ आए फिर भी इसको हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और अपना मंजिल कहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँचने का पूरी कोशिश करना है और हौसला बुलंद होकर बैठना है और आगे बढ़ने का क्षमता रखना है। यही मैं जितना जूनियर आर्टिस्ट या और सीनियर आर्टिस्ट लोगों को मेरा तरफ से मैं मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू।